मुझे चौथा कलमा पढ़कर सुनाएं। चौथा कलमा तौहीद तौहीद यानी एक ला इलाहा इल्लल्लाहु वादहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व यमीतु व हुवा अहिला मुतु अवदन अवदा जुल जलाली वल इक्रामी बियदीहिल खैर बहुवा अला कुल्ली शैन कदीर। अच्छा आप क्या पढ़ती हैं? मेरा भी नूरानी काजा चल रहा है। अच्छा तो आप मुझे गुसुल के फर्ज सुनाएं। गुसुल में तीन फर्ज होते हैं, नंबर एक करारा करना, रोजी से उठो कुल्ली करना, नंबर दो नाकी नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर तीन पूरे बदन पर इतना पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए, सूखा रह गया तो गुसुल नहीं हो। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह के नबी की कितनी बेटियां थीं? अल्लाह के नबी की चार बेटियां थीं। नाम बताएं कौन कौन सी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला माशाल्लाह, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा। माशाल्लाह बहुत खूब। अच्छा तो आप मुझे नमाज के फर्ज सुनाएं। नमाज में तेरा फर्ज होते हैं सात बार के ये हैं, अव्वल तो बॉलन की पाकी, दूसरा कपड़ों की, तीसरा जगह की पाकी, चौथा सतर छुपाना, पांचवा कलित मुंह करना, छठा बक्को पक, सातवा लज्जे नियत करना, छह अंदर के ये हैं, अव्वल तो तकबीर है तेरी माँ, दूसरा काया, तीसरी किरत, चौथा रकू, पांचवा दोनों सस्ते, छठा अकरी कायदा। अच्छा तो आप क्या पढ़ती हैं? मेरा भी नूरानी कायदा चल रहा है। अच्छा आप मुझे अल्लाह के नबी का पूरा नाम बताएं। अल्लाह के नबी का पूरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप मुझे अल्लाह के नबी के नसब नामा सुनाएं, कम से कम 10 नाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अबिन मना बिन कुसई बिन किला बिन मुर्रा बिन का बिन लुवई बिन गाली बिन कहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुत्रिका बिन इलिया। माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नसब नामा याद करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा तो आप मुझे हदीस नंबर 5 सुनाएं। अशमु जुन्नातु तजमा लोडदा है। और हदीस नंबर 11। मा अस्फला बिना काबैनी बिना इजारी फविनार। माशाल्लाह सबाश, आप सबका सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो बच्चों मैं चलती हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज बच्चों का ईद का दिन है, और ईद के दिन बच्चों को हर घर घर से या हर जिन लोगों से